हाँ तो मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। एंड आज की वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, आप लोग को यार वीडियो का ओवरले भी नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि आजकल यार पिछले 2-3 दिन से मेरे को काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। तो मतलब आज थोड़ी जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो भाई फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक नॉर्मल प्लेयर से एक कॉम्पिटेटिव प्रो प्लेयर बन सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर बनने के लिए आप लोग को डेडिकेशन, मेहनत, प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन साथ ही में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि आपको 24/7 भाई साहब एफसी आप लोग को दे अलग अलग बेसिस की। अब आपके क्लाइमेट्स में देखो इतना तो मतलब पेशेंस है नहीं कि भाई वो पूरी रात जगेंगे, पूरे दिन भर आपके लिए ऑन रहेंगे एंड आपको आपके लिए भाई साहब एफसी पोस्ट करते रहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऐसे क्लैन के लिंक्स लाया हूँ हर टीएच के ऊपर जो कंपटीशन में है अभी, ठीक है। और यार इसके लिए काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी मेरे को, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार वीडियो बना ही देते हैं। हाँ गाइस, गिव अवे की बात करें तो गाइस वो जो गिव अवे है मैं अभी सोच रहा हूँ ना 21K पे कर देते हैं। मैंने 20K पे बोला था ऑब्वियसली, बट 21K पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ 21K हो जाएंगे तो उसी टाइम एक ही बार हम लोग समेट कर गिव अवे कर देंगे, ठीक है। तो गाइस जो भी न्यू हो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अभी बढ़ते वीडियो में आगे, वो भी बिना किसी देरी के। चलो भाई, तो गाइस देखो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यार अगर आप लोग को एक कॉम्पिटेटिव प्रो प्लेयर बनना है किसी भी टीएच के ऊपर तो आप लोग को चाहिए भाई फुल घिसाई, ठीक है, फुल घिसाई बाजी चाहिए आप लोग को। लाइक अब अगर आप अपने क्लैन में रह के घिसाई करना चाहते हो तो कोई बंदा आपका क्लैन का ऐसा नहीं है जो दिन भर आपके लिए ऑन रहेगा एंड अलग अलग टाइप के वॉर बेसिस को एफसी देगा। एंड अगर वो देता भी है ना, अगर मान लो आपके पास 2-3 आईडी है, फिर भी आपके पास उतने अलग अलग तरीके के बेसिस नहीं होंगे जहाँ पे आप लोग को अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। तो यार उसके लिए होते हैं भाई एफसी क्लैंस। तो बात करेंगे सबसे पहले TH8 क्लैन के बारे में। तो ये वाला जो क्लैन है गाइस अभी फिलहाल इनएक्टिव है, लेकिन जब क्वेसो कप हुआ था लास्ट ईयर, जो क्वेसो कप हुआ था उसमें सारे टीएच के ऊपर कराया गया था टूर्नामेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तभी ये क्लैन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था TH8 के ऊपर। एंड देखो बात यह है ना कि काफी लोगों को पता ही नहीं है कि TH8 का भी कोई एफसी क्लैन है जहां पे लोग एफसी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी देर में मैं अभी ज्वाइन भी करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पे क्लैन एक्टिव है या फिर नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले अभी कि क्या बोलते हैं, हाँ, आपका जो क्लाइमेट्स है या फिर आपके पास अगर 2-3 IDs है, फिर भी आप लोग को भाई उतने उच्च कोटि के जो होते हैं ना कॉम्पिटेटिव बेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव वॉर बेसिस जो बोलते हैं, वो आप लोग को नहीं मिलेगा भाई एफसी करने के लिए। अगर आप लोग को कॉम्पिटेटिव वॉर बेसिस चाहिए, अलग अलग बेसिस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको भाई एफसी क्लैन आना ही पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग को बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव बेसिस देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप लोग अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो इसके लिए देखो भाई पहली चीज़ तो है डेडिकेशन, टाइम, ठीक है, ये 2-3 चीज़ है जो आप लोग को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं दे पाओगे तो भैया ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया TH8 का क्लैन एंड ये थोड़ा सा अभी इनएक्टिव सा है। लेकिन फिर अगर बात करेगा इस टाउन हॉल 9 के क्लैन की, तो टाउन हॉल 9 के 2 FC क्लैंस यहाँ पे है जिसके बारे में लाइक सारे कॉम्पिटेटिव TH9 प्रो प्लेयर्स को पता है, ठीक है। एंड मैंने भी अपनी जो प्रैक्टिस वगैरह, जब मैं स्टार्टर था TH9 में, तो मैंने भी यहाँ पे आके बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो एक ये क्लैन है एंड एक और क्लैन जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया पर्पल कलर का जिसका बैज है, वो भी अभी मैं आप लोग को स्काउट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये 2 क्लैन है गाइज जो कि मतलब TH9 के 2 FC क्लैन है। अगर आप बात करोगे टॉप पेज और भी बहुत सारे है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना थोड़ा फर्जी सा लगता है वो सारे, लेकिन ये जो 2 मेन क्लैन है ना TH9 कॉम्पिटेटिव प्रो प्लेयर यहीं आके अपने प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। एंड अगर कोई TH9 का कॉम्पिटेटिव प्लेयर ये वीडियो देख रहा है तो भाई कमेंट करके बताना कि तुमको इस क्लैन के बारे में पहले से पता था या फिर नहीं, या फिर जिस जो भी TH9 के प्लेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी यहीं पर अपनी प्रैक्टिस करी थी, मैंने भी अपना इम्प्रूव जो है स्किल्स यहीं पर करा था। एंड अभी फिलहाल मैं इन क्लैंस में जाता नहीं हूँ, लेकिन स्टार्टर जब मैं था TH9 का तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आके प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो ये हो गए भाई 2 क्लैन TH9 के। अब देखो एटम्स अनबाउंडेड जो है ये TH10 का एफसी क्लैन था, लेकिन अभी ये क्लैन क्लोज पड़ा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये क्लैन अभी क्लोज है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस थी इस क्लैन में एंड यहाँ पे भी बहुत लोग, बहुत सारे TH10 के कॉम्पिटेटिव प्रो प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो ये क्लैन तो क्लोज है, लेकिन एक क्लैन है TH10 का जो अभी भी ओपन है। तो ये वाला क्लैन देख लो, TH10 ओनली एफसी करके ये क्लैन है। एंड ये क्लैन में अभी देखोगे तो भाई 50 के 50 बंदे फुल भरे पड़े हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये वाला जो क्लैन है फुल पूरा एक्टिव है एंड यहाँ पे भाई साहब नो सीज प्रैक्टिस चलती है, मतलब विदाउट सीज के साथ बंदे यहाँ पे अटैक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे
पे क्लान है एंड हमेशा ये क्लान भाई साहब एक्टिव रहता है। जब भी आप जाओगे ना आपको 14 से 15 बंदे भाई साहब ऑनलाइन दिख ही जाएंगे इस क्लान में, ठीक है, ऐसा सीन रहता है। तो गाइस ये हो गया भाई TH10 का क्लान एंड अभी आप लोग को दिखाऊंगा TH11 का क्लान। देखो सारे TH के क्लान है FC क्लान, लेकिन TH7 का मेरे को मिला नहीं एंड इसलिए मैंने उसका डाला नहीं, ठीक है। तो इन सारे क्लान का जो लिंक है गाइस आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो भाई साहब टैग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये है TH11 का FC क्लान एंड ये सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये क्लान जो है एक इंडियन बंदे ने क्रिएट करा है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव क्लान है ये, ठीक है। अभी मैं आप लोग को इस क्लान में ज्वाइन करके भी दिखाऊंगा, अगर देखो तो भाई बंदे TH11 के भरे पड़े, मैंने ऐसा किसी का बेस देखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है भाई TH11 का स्पेशल क्लान है तो भाई TH11 के ही बंदे भरे पड़ेंगे। वैसे हम TH14 से भी ज्वाइन करके देखते हैं बंदे कितने ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो भाई साहब ये देख सकते हो भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे ऑनलाइन है, सारे बंदे ऑनलाइन नहीं है लेकिन 15 बंदे भी किसी अनजान स्ट्रेंजर क्लान में ऑन है, मतलब भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे ही यार सारे FC क्लान में ना ऐसे ही बंदे ऑनलाइन रहते हैं गाइज एंड हर टाइम जितने जब भी आप ज्वाइन करोगे ना तब आपको कोई ना कोई इधर ऑन दिखी जाएगा, 10 से 15 बंदे तो हमेशा आपको ऑनलाइन दिखेंगे एंड आप लोग यहाँ पे FC करके प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे बाकी बंदे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हो भाई ये है TH12 का FC क्लान एंड यहाँ पे भी हम लोग ज्वाइन करेंगे अभी, मतलब ज्वाइन तो नहीं कर सकते अभी, मतलब ट्रॉफी ज़्यादा है भाई एंड अपनी ट्रॉफी कम है इस वाले आईडी की, लेकिन ये भी है TH12 का FC क्लान एंड यहाँ पे भी देखो जो बंदे आपको क्लान के अंदर दिख रहे हैं ना TH12 FC क्लान के अंदर वो सारे बंदे एक्टिव ही होंगे क्योंकि देखो वो उस क्लान में स्टे वाले बंदे तो है नहीं, ठीक है, बाहर के ही बंदे एंड ये हो गया गाइस TH13 का FC क्लान, ठीक है। तो ये जो दोनों क्लान है ना TH12 एंड TH13 का क्लान ये किसी एक ही बंदे ने क्रिएट करा है, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी डाला हुआ है, मतलब डाला हुआ है आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में एंड लिखने का जो स्टाइल है वो सेम ही है, ठीक है। तो TH13 FC क्लान में हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दो ही बंदे ऑन है अभी, तो फिलहाल मैं और एक और बंदा कोई ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो भाई FC चलती रहती है, यहाँ पे देख लो आधे घंटे पहले यहाँ पे FC चल रहा था, ठीक है। तो जब भी आप आओगे तो कोई ना कोई ऑन दिख ही जाएगा, वेल इतना एक्टिव तो नहीं है नहीं बोलूंगा, बट फिर भी यार ये FC क्लान है TH12 एंड TH13 का। देखो मेनली जो FC क्लान अभी चल रहा है ना वो TH9 एंड TH14 का ही चलता है क्योंकि यही दोनों TH है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वॉर्स होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग TH9 एंड TH14 पे ही फोकस करते हैं एंड यही दोनों क्लान सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वैसे TH10 एंड 11 का भी आप लोगों ने देखा भाई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव क्लान है, ठीक है। तो TH13 का ये क्लान था गाइस एंड अभी बात करेंगे TH14 का। तो TH14 का दो FC क्लान है, एक है 69 करके एंड एक जो सबसे ऊपर है ना, एंड यहाँ पे देखो ये क्लान जो है ना कोई पुशिंग क्लान नहीं है, फिर भी सारे पुशर्स जो होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं वो इस क्लान में आते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्लान की अगर आप लोग देखोगे ट्रॉफी तो 54,000 के आसपास है, 55,000 है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफी होता ही है, ठीक है। तो ये है भाई 69 क्लान एंड ये जापान का क्लान है एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्लेयर्स तो भाई काफ़ी ज़्यादा पुशर्स जो हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज को ट्राई करते हैं एंड कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव प्रो प्लेयर भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव में घुस ही रहे हैं भाई आजकल, जितने भी पुशर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव में अपना कदम रख ही रहे हैं आजकल, ठीक है। तो वही बात है भाई साहब, यहाँ पे आपको कुछ नामी बंदे भी देखने को मिल जाएंगे लाइक इंडिया के कोई कॉम्पिटिटिव प्रो प्लेयर अगर आप जिनको जानते हो तो वो लोग भी कभी कभी इन क्लांस में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अलग अलग स्ट्रैटजीज को ट्राई करने के लिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये देख सकते हो भाई ये क्लान भी काफ़ी एक्टिव है एंड सारे नए प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि भाई साहब मतलब ये क्लान में कोई स्टे करता है, भाई ज्वाइन लीव होते रहते हैं बंदे, फिर भी जो क्लान है ना भाई साहब 54,000 के ऊपर ही रहता है क्लान का ट्रॉफी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बंदा हाई कर रहा है अपने को, लेकिन अपने को हाई हुई नहीं करना, अपने को जल्दी वीडियो बनाने के निकलना इधर से, ठीक है। तो गाइज यही थे गाइज TH8 से TH14 तक के क्लान के लिंक्स जो हैं, FC क्लान के लिंक्स सारे के सारे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल यार ज्वाइन कर सकते हो, बुकमार्क करके रख लेना जैसे मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है, जब भी आपको टाइम मिले आपको समय मिले भाई आप जाके उधर प्रैक्टिस कर सकते हो 24/7 भाई यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को लिए ये वाली जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अलग आ रही होगी क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मतलब क्या बोलूँ
खांसी टाइप हो रखा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी गाइस, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो जरूर लाइक कर देना। एंड अगर चैनल पे कोई पहली बार हो तो यार जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो। एंड अगर आप लोग को रीसेंट वीडियोस चेक करना है स्ट्रैटजीज के ऊपर, लाइक TH9, 10, 11, 12 and 14 के ऊपर मैंने स्ट्रैटजी वीडियो बनाया है रिसेंटली, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो रिसेंट वीडियोस में जाके। चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।